Hey guys, what's up everybody and welcome back to another video. First of all, Eid Mubarak to all of you guys. And kal jo hai hum log tomorrow ek ride plan kiye hai Virar Vasai, yahan pe koi ek dam hai, wahan pe hum log ride karne wale hain. To bahut excited hu kal ke liye. So let's see hamara kal ka ride kaise jata hai. और मैंने सब अपना पैकिंग वगैरह सब आज फर्स्ट टाइम इतना जल्दी करके रख दिया हूँ. सब कुछ हो गया है, पैकिंग वगैरह सब हो गया है. सिर्फ अभी कल का इंतज़ार है हम लोग को. सुबह 5 बजे मुझे मेरे घर से निकलना है और हमारा मीटिंग पॉइंट है दहीसर चेकना का, टोल नाका चेकना का. वहाँ पे मुझे मेरे बाकी के फ्रेंड्स मिलेंगे. तो देखते हैं कल का डे अपना कैसे जाता है. तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरे रिलेटिव के घर पर ईद मनाने. Bye guys, see you tomorrow. Hey guys, good morning everybody. आज है 2nd of August और अभी बज रहे हैं 5:40 AM and I am very much excited. हम लोग अभी जा रहे हैं सबसे पहले पेट्रोल पम्प. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. अभी वेदर बहुत मस्त है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है. आई होप कि वहाँ पहुँचने तक बारिश ना हो, फिर बाद में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी हम लोग साइन पेट्रोल पम्प जा रहे हैं. मैंने और प्रसाद ने ऑलरेडी टैंक फुल करवाया था, सिर्फ आतिफ को फ्यूल डलवाना है. तो अभी हम लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गए हैं और अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ग्रोवल स्मॉल कांदीवली, जहां हमें अजय भाई योगेश भाई मिलेंगे और फिर हम साथ में दहीसर टोल पे जाएंगे. तो दहीसर टोल पे मीटिंग पॉइंट था हमारा 6:15 AM का. तो देखते हैं अभी हम कितने बजे तक पहुंचते हैं वहां पर. ये है प्रसाद भाई, ये मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं. इनके पास है ड्यूक 200, आप लोगों ने इनको मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा. और ये है आतिफ भाई, ये मेरा बड़ा भाई है और इनके पास है पल्सर एएस 200. और ये है गोरेगांव का वेस्टिन होटल, बहुत ही मस्त होटल है. तो अभी हम लोग गोरेगांव क्रॉस कर रहे हैं. ऑलराइट, तो अभी हम लोग ग्रोवेल्स मॉल पहुंच गए हैं. अजय भाई और योगेश भाई तो दिखाई नहीं दे रहे, लेट्स सी वो कब तक आते हैं. इंस्टाग्राम इज मैंडेटरी. अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करते हो तो जाओ इंस्टा पे फॉलो करो. मैं इंस्टा पे हर एक राइड, मतलब यूट्यूब से पहले मेरे वीडियोस इंस्टाग्राम पे आते हैं. तो पहले जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो. लेट आए हम लोग को पंचुअलिटी का बात बता रहे थे कल फोन पे, बट अभी लेट आए. अभी जो है पहले रुकने वाला था ताकि तुम लोगों को पहले मिल सकूँ, बट तुम लोग आगे निकल गए. अभी योगेश भाई का इंतजार कर रहे हैं, योगेश भाई आएंगे फिर हम लोग आगे का राइड करेंगे. ऑलराइट गाइस, तो अभी बज रहे हैं 6:15 AM और हमें इस वक्त दहीसर टोल नाके पे होना चाहिए था. कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग अभी 5 मिनट में वहाँ पहुँच ही जाएंगे. और हमारे साथ आज 2 न्यू राइडर्स ज्वाइन हुए हैं, मलाड़ से आदित्य भाई जिनके पास है रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350 और बहुत ही प्यारे दिलशाद भाई जिनके पास है TVS Ntorq 125. देख रहे हो लड़के का जज्बा, देख रहे हो 125 cc की स्कूटर लेके आया है राइड में.
वेदर अभी बहुत मस्त है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा कूल एयर है। और ये देखो, ये है मुंबई का साओ पाउलो, मतलब बहुत हार्ड। और ये हम लोग पहुंच गए हैं दहीसर टोल नाका। मेरे बाइक पे मिरर नहीं है तो शायद से मुझे अभी पुलिस रुकाएंगे। मुझे बाइक्स पे मिरर लगाना ज़रा भी नहीं पसंद, बाइक के मिरर्स बाइक का लुक ख़राब करती है और कटिंग पे भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं नहीं लगाता। चलो अच्छा है कि यहाँ अभी पुलिस नहीं है। तो अभी हम लोग मिलेंगे बाकी के राइडर्स से और फिर हमारा डायरेक्ट स्टॉप होगा कुंभारपाड़ा डैम, शिरगांव, विरार। कैमरामैन समीर के साथ सफ़र चैनल यूट्यूब पे। You've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never showed. यामा वालों ने बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा बाइक निकाला है। ये बाइक बहुत हार्ड है और काफी छोटी है। तो सीन अभी ऐसा है कि मैं बहुत आगे आ गया हूँ तो मुझे अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी सारे लोग आ गए हैं और अभी हम कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे और लगभग 20 मिनट्स के बाद हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अभी जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। कुंभारपाड़ा एक डैम है और ये विरार के शिरगांव में पड़ता है और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से काफ़ी नज़दीक है।
We all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy. राइट गाइस, तो हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत मस्त विलेज वाली फीलिंग आ रही है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। लेट्स सी और क्या क्या होता है। गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए जहाँ मैं पहुँचने लगा। ये है हमारी, मतलब यहाँ पे हमने सब बाइक पार्किंग की है और नेचर एक नंबर है। ये विरार में कुम्भार पाड़ा बोलते हैं ये जगह को। ये देखो, ये छोटा सा, इतना सा छोटा सा डैम बना हुआ है अभी, ये देख रहे हो। और ये रहे अपने दोस्त, ये इतने लोग हैं। ये लोग है साइकिल का ग्रुप है लोग का, ये लोग अलग लोग हैं। और व्यू देखो, देखो वहाँ पे सब लोग अपना फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। बहुत अच्छा जगह है। बाइक इतना तक का ही आएगा, बाइक इसके ऊपर नहीं आएगा। बाइक वहाँ पार्क करना है, बाइक कार कुछ भी आएगा तो वहाँ पार्क करना है। साइकिल आए, साइकिल लेके आएंगे तो साइकिल यहाँ लेके आ सकते हैं और फिर वहाँ से यहाँ चल के आने का। और फिर अगर तुम लोग कपड़े वपड़े लाए हो तो फिर स्विमिंग कर सकते हो यहाँ पे। मस्त एकदम ये डैम, और पानी का स्मेल भी एकदम फ्रेश लग रहा है। दिखने में तो फ्रेश नहीं दिख रहा है बट स्मेल एकदम फ्रेश है। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो यहाँ पर हम लोग अभी ड्रोन शॉट्स वगैरह उड़ाते हैं। For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. ऑलराइट गाइस, तो ये था कुम्भारपाड़ा डैम। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। हमने तो यहाँ बहुत इन्जॉय किया और ये प्लेस वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट जैसा था, या फिर इसे हम मिनी लोनावला भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे तो सेम टू सेम लोनावला का बुशी डैम की तरह लग रहा था। गाइस, आप लोग भी यहाँ पे आओ और इन्जॉय करो। ओके गाइस, तो मैं ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर ट्रैवल व्लॉग्स। दैट्स इट, बाय गाइस, टेक केयर, पीस आउट।